दोस्तों आज की कहानी है माँ का बंटवारा। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। ये कहानी है रत्ना जी की, जिनके पास धन तो ज्यादा नहीं है पर जमीन और घर की मालकिन जरूर हैं। दो गबरू जवान बेटे और एक बेटी की माँ, सब शादीशुदा और अपने में मस्त। पर क्या हुआ, जो एक दिन अचानक से दोनों बेटे माँ के पास आए और बड़े बेटे नवल बोले, माँ हम दोनों भाई इतने सालों से एक साथ हंसी खुशी रह रहे थे, अब सहते हैं आप घर जमीन जायदाद सब हम दोनों में बराबर से बांट ले। छोटे बेटे धवल ने भी भाई की हाँ में हाँ मिला दिया। ऐसा क्या हुआ, जो तुम दोनों को लग रहा अब अलग हो जाए, कोई मन मुटाव है तो दूर कर लो, अभी बंटवारे की बात मत करो। मेरे जीते जी क्यों अलग होना चाहते हो, रत्ना जी ने पूछा। माँ अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी शादी होगी, हमने तो निभा लिया पर आने वाली पता नहीं पूरे परिवार को संभाल सकेगी और नहीं। फिर सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश होती है, अलग पकवान खाने का मन करता पर पूरे परिवार के साथ एक जैसा ही खाना बनता और वही बेमन से खा लेते बच्चों को देखकर ही। हमने ये सोचा, नवल ने कहा, माँ बेसारी सोच में डूब गई। बेटा अब तुम दोनों यही सहते हो तो मैं बुढ़िया क्या बोलूं, पर कल तेरी बहन भी आने वाली, उससे भी एक बार पूछ ले। अब तो बेटियों को भी हक मिलता है, उसके साथ ना इंसाफी तो नहीं कर सकते ना, रत्ना जी दुखी होकर बोली। दीदिया से क्या पूछना माँ, अरे उसके हिच्चे खा तो दे ही दिया ना उसके ब्याह में, अब काहे का उसका हिच्चा। ना ना अब तो जो भी बटेगा हम दोनों भाइयों में ही, छोटे धवल ने थोड़ा खुनकते हुए बोला। फिर भी कल रज्जो आवे उसके बाद ही कुछ फैसला करूंगी, तुम दोनों को आपत्ति हो तो भी खल था इंतजार करो। कहक रत्ना जी बैठक से उठकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर लासार होकर बिस्तर पर पड़ गई। पति की बड़ी सी तस्वीर को निहारते हुए सोचने लगी, इन बच्चों के लालन पालन में कभी कोई कोताही न बरती, उनकी शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं की, इस उम्मीद में कि ये अपनी विरासत में और जोड़ पाएंगे। पर ये दोनों तो छोटा सा दुकान खोलकर बैठ गए, कभी कुछ तरक्की करने की ना सोची, आज जमीन जाए दाद में अपना अपना हिस्सा मांगने चले आए। क्या इसी दिन के लिए जोड़े थे हमने, पहले से ही कामचोर थे ये,
अब पता नहीं कोई जमीन बसेगी भी कि नहीं। पति से दिल की बात करती कब सो गई पता ही नहीं सला। दूसरे दिन रज आ गई, भाई भाभी ने जमकर खातिरदारी की। साय नाश्ता करके रज्जू माँ के पास बैठकर बतियाने चली गई। पीछे पीछे दोनों भाई भी पहुँच गए। किसी तरह बड़े भाई ने रज्जू के सामने मन की बात रख दी। रज्जू माँ की ओर देखे कभी भाइयों की ओर, माँ की लासारी देख उससे रहा न गया। भाई आप दोनों अपने अपने हिस्से की मांग कर रहे, पर माँ का क्या, उसका हिस्सा किधर है? रज्जू ने पूछा। माँ का हिस्सा, उसको हिस्से की क्या जरूरत है? हम दोनों है ना, दोनों ने एक सुर में कहा। घर के भी दो हिस्से कर लोगे, ये बताओ माँ किधर रहेगी? तुम दोनों माँ को उसे आराम से रहने दोगे? नहीं होता है भाई, माँ को दो हिस्सों में तो नहीं बांट सकते ना। अगर आपको हिस्सा करना है तो माँ के लिए भी बराबर हिस्सा होगा। जब तक वो है सैन से अपने हिसाब से रहेगी। कल को तुम दोनों माँ की देखभाल ना करो तो माँ अपने हिस्से का जो करना साय करे, पर उसका भी हिस्सा उसको मिलेगा। उसके पास पैसे होंगे जो उसकी सेवा करेगा। माँ उसको अपनी मर्जी से जो देना साय दे सकती। मैं माँ के हक की बात कर रही हूँ, जो आज तक दूसरों को दाना पानी दे रही, कल की वो किसी की मोहताज क्यों बने? आप दोनों सोच लो, फिर तीन बराबर हिस्से कर लेना। कहकर रज्जू माँ के सहरे पर आए। मायूसी को दूर करने उसे बाहर ले गई। माँ मुझे तेरी फिक्र हो रही, पता नहीं भाई क्या फैसला करे, पर अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया था। तुम सहती हो ना, अभी बंटवारा नहीं है, बस देखना तीने हिचे की बात सुन। शायद भाई हिचे की मांग ना करे, पर अब सहूलियत के हिसाब से बच्चों को जैसे रहना साय रहने दो। जो मन करे बनावे खावे, बस घर में खुशहाली बनी रहे। मैं भी यही कामना करती हूँ, रज्जू माँ के दिल की हाल समझते हुए बोली। अब जो फैसला करे, पर बेटा मैं कभी इधर कभी उधर वाली जिंदगी नहीं जी सकती। कभी किसी से कोई कहा सुनी नहीं हुई, ना जाने किसने इनके कान भर दिए। सल अब घर चलते, कहकर दोनों घर आ गई। दरवाजे पर ही दोनों बेटे बहू खड़े थे। माँ आप जब तक साए, हम हिच्चे की मांग नहीं करेंगे, बस इतना तो कर सकते हैं ना। जब जो मन करे हम अपने हिसाब से कर सके, बच्चों के लिए जो जरूरत हो वो कर पाए, नहीं तो सोचते रहते करेंगे तो उसको बुरा ना लग जाए। बस इसलिए अपने अपने हिस्से की मांग कर रहे थे।
नवल ने कहा, जैसे मर्जी करो बच्चों पर, जीते जी घर में दीवार ना खींचो, मरने के बाद बराबर हिच्चा कर लेना, अभी कहे तीन हिच्चे में अपना नुकसान कर रहे हो। रत्ना जी, बेटों के मन को भली भांति समझ सके थी, माँ को कभी कोई हिच्चा दिया है भला जो वो देते। कुछ सालों बाद रत्ना जी सल बसी, पर पहले से ही वो तीन हिच्चे कर गई थी, बेटी भी तो उनकी अपनी ही थी ना। पर रज्जो ने सब अपने भाइयों को ही दे दिया, ताकि मायके के दरवाजे हमेशा के लिए बंद ना हो। भाइयों ने रज्जो की दरिया दिल्ली पर खूब आशीर्वाद दिए और घर आती रहना बहना कहकर निमंत्रण भी।